दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा नगर निगम का नया मेयर उपनियुक्त कौन होगा, यहाँ पे उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने पहला वीडियो आपका सुबह देखा जब 30 सभी वार्ड पार्षद आए थे, लेकिन जब अभी चौंकाने की खबर है कि मात्र यहाँ पे 38 वार्ड पार्षद मौजूद है, जिसमें से आपको पता चले 48 में से 7 वार्ड पार्षदों को जो बंदोबस्ती शौचालय के लिए उनको पदमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद एक और वार्ड पार्षद जो अनुपस्थित है, तकरीबन 38 वार्ड पार्षद यहाँ पर मौजूद है, यानी जीतने वाले को 20 वार्ड मेयर बनने के लिए 20 वोट चाहिए, यानी 51%। और जो प्रक्रिया यहाँ पे बोली गई है वो हम आपको सुना रहे हैं और अंदर की विजुअल दिखा रहे हैं। शहर का नया वार्ड मेयर उप मेयर कौन बनेगा, कुछ ही समय के लिए ये निर्धारित हो जाएगा, जिसको हम आपको दिखाएंगे। बाकायदा प्रोसेस अभी हमारे डीसीआर साहब इस बोर्ड में बताएंगे और उसको डिटेल में समझ लेंगे। याद रखेंगे कि एक बात आपकी थोड़ी सी असावधानी से आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए उस प्रोसेस से अच्छी तरह से अवगत होंगे। जैसे प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद गणना की जाएगी, मतगणना के पश्चात हम लोग निर्धारित करेंगे मतों की संख्या के आधार पर कि कौन सा हमारा उम्मीदवार विजय हुआ। आप ये भी जानते हैं कि इसमें 50% प्लस 1 वोट पाना अनिवार्य है जीतने के लिए। यदि हमने एक बार वोटिंग करवाई और उसमें से किसी भी व्यक्ति को आधे से अधिक वोट प्राप्त नहीं हुए तो हमें दोबारा वोटिंग प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ये इसका विशेष नियम है। तो इसके लिए वोटिंग कैसे करेंगे, हम लोग डिसीजन सर से अनुरोध करेंगे तो ताकि 50% 19+1 यानी कम से कम 20 वोट जिस व्यक्ति को मिलेंगे वही व्यक्ति मुख्य पार्षद के लिए विजयी माना जाएगा। सबसे पहले जैसा कि पुष्कर जी ने बताया मुख्य पार्षद का चयन किया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ही मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसमें जो उप मुख्य पार्षद का सीट है वो अनारक्षित महिला के लिए है, अर्थात कोई भी महिला इसके लिए उम्मीदवार हो सकती है। उम्मीदवार होने के लिए एक समय निर्धारित किया जाएगा जिसमें नामांकन पत्र उनसे प्राप्त होगा। यदि केवल एक ही नामांकन पत्र प्राप्त होता है निर्धारित अवधि तक तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा, अगर एक से अधिक प्राप्त होता है तो मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नामांकन पत्र जो है उसको बिल्कुल आसान है, एक पेज का है, जो कैंडिडेट होंगे उनको बता दिया जाएगा जाकर के, वैसे हम एक नजर दिखा दें बता दें। सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा मुख्य पार्षद अवलिंग उप मुख्य पार्षद के लिए नामांकन पत्र, तो उप मुख्य पार्षद के लिए होगा तो मुख्य पार्षद को काट देंगे, मुख्य पार्षद के लिए आप नामांकन कर रहे हैं तो उप मुख्य पार्षद को काट देंगे। उसके बाद दरभंगा जिला के अंतर्गत लिखा हुआ है ये नामांकन है, अभ्यर्थी जो होंगे मुख्य पार्षद के उनका पहले पूरा नाम होगा फिर पता है, फिर उनके प्रस्तावक का नाम है उनका पूरा पता है, उनका हस्ताक्षर प्रस्तावक का, उसके बाद उनका एक समर्थक होगा समर्थक का पूरा नाम है पूरा पता है, उसके बाद उनका हस्ताक्षर है, अंत में अभ्यर्थी की घोषणा है और उनका हस्ताक्षर है, समय है और स्थान है। आप पहले ऊपर में अभ्यर्थी का नाम और पता ही भरेंगे, जो अभ्यर्थी होना चाहेंगे उनका नाम पूरा बताओ, प्रस्तावक एक होंगे और एक समर्थक होंगे, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि दूसरे कैंडिडेट के प्रस्तावक समर्थक अलग होने चाहिए, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग का प्रस्तावक समर्थक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार उप मुख्य पार्षद में भी यही विधि लागू होती प्रावधान है। अब जो नियत समय पूरा हो जाने के बाद नामांकन की समीक्षा होगी, समीक्षा में सही पाए गए नामांकन पत्र को अभ्यर्थी के रूप में घोषित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग विड्रॉल के लिए 5 मिनट का समय देते हैं, जब किसी को ऐसा लगता है कि मेरा नाम वापस हम ले लें तो उम्मीदवार नहीं रहे तो वो नाम वापसी के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। समय समाप्ति के बाद हम लोग निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाते हैं, तब हम बताते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन के लिए क्या वैध मत कैसे दिया जाना है,